हाय फ्रेंड, दिस साइड विपुल शाह। आज अपन डिस्कस करने वाले गवर्नमेंट बॉन्ड्स। हालांकि गवर्नमेंट बॉन्ड्स के बारे में आपको पहले से भी जानकारी है, बट आज मैं कुछ नया जानकारी आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते क्या है, उसके फ़ायदे क्या है, हमने इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, या एफडी बेटर है या गवर्नमेंट बॉन्ड बेटर है या म्यूचुअल फंड बेटर है। तो अपन इसके ऊपर आज बात करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए अगर आप फर्स्ट टाइम आए हो तो, और नोटिफिकेशन बार को प्रेस कीजिए ताकि जब भी ऐसे नए वीडियो आएंगे आपको इमीडिएटली पता चल जाएगा। चलिए सो आगे बढ़ते हैं। और नीचे मैंने आपको एंजल ब्रोकिंग का लिंक दिया है, वहाँ पे आप क्लिक करके यू कैन ओपन फ्री डीमैट अकाउंट एंड यू कैन गेट सो मेनी बेनिफिट्स। सो दीज आर द वेरियस बेनिफिट्स अटैच्ड। सो नीचे मैंने लिंक दिया है, उसको फटाफट क्लिक कीजिए एंड ओपन डीमैट अकाउंट और मेरे साथ जुड़े रहिए फॉर ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़। चलो तो अभी गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते क्या? बेसिकली इट्स अ सिक्योरिटी ऑफर्ड बाय गवर्नमेंट, ये तो हमको पता है, बट होता क्या है? सब बैंक एफडी में और बॉन्ड में फ़र्क क्या है? जैसे इमेजिन करो कि गवर्नमेंट को पैसा चाहिए, जैसे हमको पैसा चाहिए तो हम बैंक के पास जाते हैं, बैंक से लोन लेते हैं। तो वैसे अगर गवर्नमेंट को पैसा चाहिए तो आरबीआई बॉन्ड इशू करती है एंड अपन पैसा डायरेक्टली गवर्नमेंट को देते हैं। करेक्ट, अपन पैसा डायरेक्टली किसको देते हैं? गवर्नमेंट को देते हैं। गवर्नमेंट बैंक से बोरो कर सकता है बट दे नीड ह्यूज मनी, सो डायरेक्टली दे विल अप्रोच अस। सो आरबीआई विल ब्रिंग दैट इंस्ट्रूमेंट विच इज कॉल्ड एज अ बॉन्ड एंड फिर आपको अगर इंटरेस्ट तो आप उसको पे कर सकते हैं एंड इसमें आपको रीजनेबल रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। करेक्ट ना? तो यहाँ पे सिक्योरिटी क्या है कि ये गवर्नमेंट का है, तो यहाँ पे पैसा तो आपको मिलेगा ही। करेक्ट ना? सो यहाँ पे सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है। तो ये होते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ये मीनिंग बता दिया। आ गया अभी ये रिटेल इन्वेस्टर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं क्या? यस, जुलाई 2021 में गवर्नमेंट का मैंडेट आया है तो उन्होंने कभी एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया है जहाँ पे आफ्टर डूइंग केवाईसी रिटेल इन्वेस्टर लाइक यू एंड मी इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहले भी इन्वेस्ट कर सकते थे बट उसमें लिमिट खाली बड़े बड़े इन्वेस्टर को था, जहाँ पे लिमिट 5 करोड़ के ऊपर था। बट नाउ रिटेल इन्वेस्टर लाइक यू एंड मी कैन ऑल्सो इन्वेस्ट इफ अमाउंट इज 10,000+। ठीक है, तो उसमें दो तरह के बॉन्ड्स होते हैं, मतलब इन्वेस्टमेंट होते हैं। एक होता है पहला होता है ट्रेजरी बिल। आपने ट्रेजरी बिल सुना रहेगा, तो ट्रेजरी बिल होता क्या है कि यहाँ पे हम गवर्नमेंट को पैसा देते हैं। करेक्ट ना? एंड आपने को अभी इसमें इंटरेस्ट मिलता है बट इंटरेस्ट अलग तरह से मिलता है। मैं आपको बता दूँ इंटरेस्ट कैसे मिलता है। जैसे ये डिस्काउंट पे इशू होता है, जैसे अगर 100 रुपये का उसका फेस वैल्यू है तो आपको ये 91 में दिया जाएगा, तो आपको इन बिटवीन इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। करेक्ट ना? आपको मैच्योरिटी पे डायरेक्टली 100 रुपये मिल जाएगा, सो उतना आपको एक्स्ट्रा पैसा मिल जाएगा, तो आप उसको आप इंटरेस्ट बोल सकते हैं। करेक्ट, एफडी में कैसा होता है, पूरा पैसा देते हैं फिर बाद में उस पर आपको इंटरेस्ट मिलता है। ट्रेजरी बिल में दो तरह के होते हैं एंड उसका एवरेज रिटर्न 12.5% के आसपास है। ठीक है, सो इन्वेस्टमेंट बॉन्ड एंड ट्रेजरी बिल। ठीक है, तो अभी जो मैंने कहा वो ट्रेजरी बिल का कहा, जहाँ पे इंटरेस्ट डायरेक्टली नहीं मिलता है, आपको डिस्काउंट पे दिया जाता है वो। तो 100 रुपये का इंस्ट्रूमेंट आपको 91 देना है, आपको मैच्योरिटी में 100 रुपये मिलेगा, तो एक्स्ट्रा जो 9 रुपये वो इंटरेस्ट ही है। अभी जो बॉन्ड इन्वेस्टमेंट है, करेक्ट ना, बॉन्ड इन्वेस्टमेंट में आपको इंटरेस्ट मिलता है, तो ट्रेजरी बिल आपको डिस्काउंट में इशू किए जाएंगे 100 रुपये का 90 रुपये में एंड आपको 100 रुपये मिलेगा। जो बॉन्ड इन्वेस्टमेंट है ये ऐसे दिखता है, आपने देखा रहेगा 740GS2035A, तो ये नाम है, ये गवर्नमेंट सेक्टर का क्या है, नाम है। तो अभी मैं एक एक करके बताता हूँ क्योंकि अभी आगे जब आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको पता होना चाहिए ये 74 का मतलब क्या है। ठीक है, एक एक करके, तो 74 मतलब आपको इस पर इंटरेस्ट मिलेगा 7.4%। GS स्टैंड्स फॉर इट्स अ गवर्नमेंट सिक्योरिटी। 2035 का मतलब इसका मैच्योरिटी 2035 तक होगा, तो तब तक आपको इंटरेस्ट मिलेगा। एंड ए मतलब ये कैटेगरी है, फ्रेश इशू है, उसका नॉमिन क्लेचर है, उसका रेटिंग होता है, तो ये ए कैटेगरी का है। तो ये जब भी आप नाम देखेंगे इसमें आपको सब रहता है। तो पहला जो 7.4 है ये क्या है, इंटरेस्ट है, तो आपको ये इंटरेस्ट 6 मंथली मिलेगा और ये आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होता है। ट्रेजरी बिल में डिस्काउंट भी होता है, यहाँ पे आपने सपोज 5 लाख रुपए दिया एग्जांपल, तो अगर इंटरेस्ट 7.4% है तो 6 मंथली दैट इज 3.7 आपके बैंक अकाउंट में जमा होता है। करेक्ट ना? सो इसको बोलते हैं बॉन्ड इन्वेस्टमेंट एंड फिर मैच्योरिटी में आपको पूरा पैसा मिल जाएगा। अच्छा, ये पैसा सेफ है क्या? 100%, क्योंकि गवर्नमेंट के पास रहता है ना। अभी ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने कहा कि पहले बड़े लोग ही इन्वेस्ट कर सकते थे क्योंकि लिमिट था 5 करोड़ के ऊपर, बट नाउ जैसे मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट अभी एक KYC करके एक ऑनलाइन आपको फैसिलिटी देने वाली है
जहाँ पे आप 10,000 से ज़्यादा भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो फिर सवाल आता है कि सर ये FD से बेटर है क्या? डेफिनेटली FD के रेट्स तो काफ़ी कम हो चुके हैं, तो कंपेयर टू FD डेफिनेटली इट्स अ गुड ऑप्शन। बट उसमें भी एक ही रिस्क है, पैसा आपका सेफ है एनी टाइम, पैसा आपका सेफ है क्योंकि गवर्नमेंट के हाथ में। बस दो तीन चीज़ें आपको ध्यान में रखना है एज अ रिस्क फैक्टर। पहला है पॉलिटिकल सिचुएशन अगर चेंज हो गया तो प्रॉब्लम हो सकता है। इन्फ्लेशन रेट अगर ऊपर नीचे हो गया तो इंटरेस्ट रेट कम हो सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने पैसा बोरो किया है तो इकोनॉमी के हिसाब से वो इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएट होते हैं, तो आपके रिटर्न्स कम ज़्यादा हो सकते हैं बट आपका पैसा एश्योर्ड है। तो FD से तो मेरे हिसाब से आपको डेफिनेटली बेटर रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। नाउ इज इट सेफ फॉर द इन्वेस्टमेंट? यस, दिस इज डेफिनेटली बेस्ट फॉर यू। अभी जो मैंने आपको लेटेस्ट मैंडेट बताया तो उसके ऊपर अगर आगे कोई भी जानकारी मिलती है कि कैसे इन्वेस्ट करना है, क्या करना है, उसके ऊपर मैं आपको एक डिटेल वीडियो बना के दूंगा। सो दैट्स इट दोस्तों। सो ये था आपके लिए इंपॉर्टेंट जानकारी रिगार्डिंग गवर्नमेंट बॉन्ड्स। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बार को प्रेस कीजिए एंड आगे आने वाले वीडियो के लिए वेट कीजिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।